सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। एक 1,55,000 का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है और ये हमें प्रमाण पत्र 10.37 रुपये का मिला है, माफ हुआ है। योजना क्या फ्लॉप हो गई, फेल हो गई, क्या लग रहा है कैमरा किसानों को धोखा हुआ साहब? अब किसानों का आपके सामने हम प्रमाण पत्र लिए हैं, हमारा 1,00,000 लघु और सीमांत कृषक के अंतर्गत है हम लोग, तो हमारा 1,00,000 का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, हमें 10.37 रुपये का मिला है। क्या लग रहा है योजना सही नहीं है? अब योजना सही है लेकिन अब ये प्रमाण पत्र सही तो मिले जब तक हम माने की योजना सही है। कार्यक्रम हर जगह हर क्षेत्र में प्रभारी मंत्री भी जा रहे हैं और किसानों के लिए हित जारी लाभ के लिए जो हमारा संकल्प पत्र है उस पत्र के अनुसार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा करके दिखाया और आगे जो भी हमारी पार्टी करती है वो करके दिखाती है। इससे हमारा आज किसान बहुत खुश है। मंत्री जी, कई किसानों ने 26,000 बिल मतलब कि कर्ज लिया हुआ था लेकिन उनका 38 रुपये मात्र माफ हुआ है, क्या कहेंगे इसका? नहीं, जिनका कर्ज माफ हुआ है उनको तो चेक द्वारा कर्ज माफ दिया गया है, ऑनलाइन माफ किया गया है, डिस्प्रिंट की वजह से कोई कमी आ गई हो, जो टेक्निकल है वो ठीक है, ऐसा जो काम हुआ है वो ओरिजिनल है, लेकिन मिसप्रिंट जहाँ है उसकी अगर गलती है तो उसको देखा जाएगा, बताया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। जो अगर हमारा किसी प्रकार का बैंक वाला कार्यक्रम गलत करता है। मंत्री, करौली तीर से फंसाई थी पूरी, तो लेखपाल ने कह दिया आपकी लिस्ट आई नहीं हो, चाहे नवादा के लेखपाल हो, नवादा मंत्री जी, ये बताइए कि ऋण मोचन योजना आखिर क्या योजना है और क्या इसकी पॉलिसी है, थोड़ा बताएंगे डिटेल? पॉलिसी यही तो है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, यही किसानों का हित के लिए ऋण मोचन योजना, इसीलिए इस किसान की हालत को देख करके उसका ऋण माफ किया है जो कहा है। कितने किस के किसान मिलेगा? अभी बहुत से लोग हैं, अभी पूरे जितने भी लोग बाकी हैं वो सबको मिलेगा। कुछ लोग आ नहीं पाए होंगे, कुछ किसी परेशानी में होंगे, कुछ खेती काम में होंगे, किसी का बन नहीं पाया, ऐसा नहीं कि नहीं बन पाए, वो जितने उस सूची में हैं उनका 100% का उनका माफ होना है। धन्यवाद। कुछ चिन्हित नहीं किया गया ना मंत्री? कुछ बाकी सूचियां बन रही हैं अभी, बाकी सूचियां बन रही हैं अभी, बन जाएगी तो। लिए उनने ब्याज कम किया है और ब्याज कम करने के हिसाब से जो हमारी पार्टी का उद्देश्य है, जो शासन का उद्देश्य है, उसी हिसाब से हम आपसे बता सकते हैं, कह सकते हैं किसान तो किसान है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन उसके लिए भी हमारी पार्टी आगे उसके ब्याज के लिए कुछ माफी। हमारे माननीय मंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास की बात की, अब मैं ज्यादा समय न, भारत का जवान, जय जवान जय किसान, सबसे बड़ा देश का देशभक्त होता है, ऐसे हमारे इस फसल ऋण योजन योजना के अंतर्गत आज हमारे समस्त किसान भाई यहाँ पर आए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय वर्मा वीडियो बना ले, वीडियो बना ले यार, आज है मैं जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ गरीब किसान, उसके लिए हमारी पार्टी, हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो हम लोगों ने संकल्प पत्र में, जो हमारी पार्टी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प पत्र में जो लिखा था और
जो किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा की थी वो आज हमारे किसान भाइयों के साथ में 1 लाख का ऋण से मुक्ति दिलाई जा रही है और हर किसान को इतना नहीं, ऐसे हमारे माननीय सांसद पुष्पेंद्र चंदेल जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। समय लगेगा, ये 15 सालों का कूड़ा कचड़ा जो यहाँ पर फैला दिया था समाजवादी पार्टी 10 साल रही और 5 साल बहुजन समाज पार्टी रही, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो कूड़ा कचरा भरा है 15 साल का, उसको हम लोग बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं। आज हमारे किसान भाइयों ने, हमारे देश की जनता ने ये दिखा दिया कि हम किसान भाई जरूर हैं, हम सहन करना भी जानते हैं और हम भगाना भी जानते हैं। आपने 15 सालों की कसर एक दिन में लगा दी कि आज भारतीय जनता पार्टी के 325 सीटें आपने दिलाई। आज हमारा कार्यकर्ता हर जगह आपके साथ में है और हम भी आपके साथ में हैं। आज हमारे मंचा सिंह पदाधिकारीगण, हमारे माननीय सांसद पुष्पेंद्र चंदेल जी, जिला अध्यक्ष संतराम विलास सोहरे जी, हमारी विधायिका श्रीमती मनीषा अनुरागी जी, जिला प्रभारी भाजपा श्री चक्रपाणी त्रिपाठी जी, हमारे पूर्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे जिलाधिकारी श्री कुंज बिहारी अग्रवाल जी, अपर पुलिस अधीक्षक श्री लाल साहब यादव जी, श्री लखनलाल जोशी पूर्व प्रवक्ता जी, श्री दिलेश खान जी समाज सेवी एवं हमारे जो किसान भाई राजे हैं और जो चले गए हैं और माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सभी के चरणों में अपना शीश नमन करता हूं। आज इस देश के अंदर हमारा जवान, जय जवान और जय किसान, ये सबसे बड़ा इस देश का नारा है और इस देश में हमारा किसान इतनी मेहनत करता है कि पूरे देश के अंदर वो हमारे लिए भोजन सामग्री देता है। आज जो हमारी पार्टी ने किया है वो एक जगह नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम जारी है और अलग अलग डेटों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के सतत उन्नयन एवं सार्वजनिक विकास हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों के जिनके द्वारा 31 मार्च 2016 तक ऋण प्राप्त किया गया हो, 1 लाख तक की धनराशि का ऋण मोचन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश ऋण मोचन योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत किसान के स्वामित्व की विभिन्न भूमि का कुल क्षेत्रफल लघु किसान के लिए 2 हेक्टेयर एवं सीमांत किसान के लिए 1 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत जनपद हमीरपुर में कुल 56,424 किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं, जिससे प्रथम चरण में तहसील एवं बैंकों द्वारा पात्र घोषित किए गए हैं और 12,460 कृषकों को
76,87,00,000 रुपया की धनराशि ऋण मोचन करके संबंधित कृषकों के खातों में अंतरित कर दी गई है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारा जितना भी कार्यकर्ता है, किसान भाई हैं, किसी को किसी प्रकार की आपत्ति परेशानी होती है उसके लिए आप डरिए नहीं, अपनी आत्मा से कह करके चाहे यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो, आपको जहाँ दिक्कत होती हो आप हमारे विधायक आगे जी को बताइए, जिलाध्यक्ष को बताइए, हमारे माननीय सांसद जी को बताइए और मेरे लिए भी आप बता सकते हैं। किसी प्रकार की आपको कोई भी आपत्ति परेशानी होती है, हम आपकी रक्षा के लिए, सहायता के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। आज हमारा किसान इतना परेशान रहा कि सूखाग्रस्त रहा, पूरा क्षेत्र 3 सालों से परेशान है। इसके लिए मेरी पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहाँ पर ऋण मोचन का कार्यक्रम रखा है वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है और सभी किसानों को, लघु सीमांत किसान